कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। यहाँ पे भी हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसके फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में डिटेल्स है, थर्ड कॉलम में पेट्रोल इंजन है और फोर्थ कॉलम में डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन में हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं एज फ्यूल और डीजल इंजन में हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं एज फ्यूल। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे बेस्ड है बट डीजल इंजन डीजल साइकिल पे बेस्ड है। पेट्रोल इंजन में हम लोग एयर और फ्यूल का मिक्सर यूज़ करते हैं एज अ चार्ज बट डीजल इंजन में हम लोग एयर और इंजेक्टेड फ्यूल का यूज़ करते हैं एज अ चार्ज। पेट्रोल इंजन में फ्यूल का एडिशन होता है थ्रू द कार्बोरेटर बट डीजल इंजन में फ्यूल का एडिशन होता है थ्रू द फ्यूल इंजेक्टर। पेट्रोल इंजन में हम लोग स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। बट डीजल इंजन में हम लोग फ्यूल को इग्नाइट करवाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करना काफ़ी इजी होता है बट डीजल इंजन को स्टार्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिकॉज डीजल इंजन रिक्वायर मोर क्रैंकिंग एफर्ट। पेट्रोल इंजन का वेट काफ़ी कम होता है बट डीजल इंजन का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि हम पावर की बात करें तो पेट्रोल इंजन में पावर काफ़ी कम होता है बट डीजल इंजन में पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। पेट्रोल इंजन का इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम होता है बट डीजल इंजन का इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल कॉस्ट। पेट्रोल काफ़ी महंगा होता है और डीजल सस्ता होता है, ये तो सबको पता है। पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है बट डीजल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। वाइब्रेशन और नॉइज़ पेट्रोल इंजन में कम होता है बट वाइब्रेशन और नॉइज़ डीजल इंजन में ज़्यादा होता है। पेट्रोल इंजन में इंजन का स्पेस काफ़ी कम होता है बट डीजल इंजन में इंजन का स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। पेट्रोल इंजन का इंजन लाइफ 60,000 किलोमीटर से कम होता है, इसके बाद इंजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है बट डीजल इंजन का इंजन लाइफ 1,50,000 से ज़्यादा होता है, इसके बाद इंजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। पेट्रोल इंजन का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन में बट डीजल इंजन का यूज़ किया जाता है बस में, ट्रैक्टर में, ट्रक में, इटीसी।